और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड पर फैसला महफूज कर लिया है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमैद अली से। जी उमैद, कब तक फैसला सुनाए जाने का इम्कान है? देखिए बिल्कुल, रऊफ हसन को जो है वो एडिशनल जो सेशन जज है मजिस्ट्रेट अबाद शाह उनकी तरफ में पेश किया गया था। तमाम इस हवाले से जो है वो फैसला जो है वो उनको जो जिस्मानी रिमांड पर फैसला है वो महफूज किया गया है। तमाम इसमें जिस दो रैलियां की गई कि वो भी अकमे अदालत में पहुंच चुके हैं। इस वक्त जो दलाइल से रतीक खोसा के वो दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। तमाम जो रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड पर फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। तमाम अगर जो दलाइल की बात करें वकील से सफाई अली बुखारी, उन्होंने ये दलाइल दिया कि क्या मोबाइल फोन इस्तेमाल करना जुर्म है, क्या रऊफ हसन ने कुछ ट्वीट किया है, रऊफ हसन से कोई ऐसा बम बरामद नहीं हुआ, सोशल मीडिया की बात हो रही है, सबको मालूम है कि केस की क्या है, ऐसे का सिर्फ दलील करना मकसद है। ये वकील से सफाई जो अली बुखारी है उनके दलाइल से तमाम बरेस्टर गौहर अली जो है आपसे कुछ देर कबल वो भी कमरा दराज में पहुंच गए हैं। तमाम जो वकील सफाई अली बुखारी उनका ये कहना कि जब कोई सबूत ही नहीं तो 10 दिन का रिमांड मांगने की क्या जरूरत है। जी बहुत शुक्रिया उमैद अली अपडेट करने के लिए।